3 दिसंबर को देर रात तक मतगणना परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है, वहीं पार्टी और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। मतगणना के दूसरे दिन 4 दिसंबर को जिले की सभी विधानसभा में विजयी प्रत्याशियों का विजय जुलूस निकाला गया। बालाघाट में 3 दशक से ज्यादा समय के बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक 19.95 वोटों से जीत के बाद कांग्रेस का गजब का उत्साह है। यही नहीं बल्कि इस विधानसभा में राजनीतिक के चाणक्य और 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद एवं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हराकर जीत का सहरा बांधे कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मनु जारे सहित कांग्रेस में जमकर खुशी का माहौल है। बालाघाट विधानसभा में भाजपा के गर्ह को ढाकर विजयी पताका लहराने वाली कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे का विजयी जुलूस 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे उनके निज निवास स्थान राम मनोहर लोहिया चौक से शहर के हनुमान चौक मेन रोड से होकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मनुजारे का स्वागत कर उन्हें जीत पर हार पहनाकर और तिलक वंदन कर उनका स्वागत किया गया। खास बात यह रही कि उनके विजय जुलूस में उनके पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश महासचिव श्रीमती पुष्पा बिसेन, हीरासन उइके, कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान, नितिन भोज सहित पंचायत और निकाय जन प्रतिनिधियों के अलावा भारी संख्या में कार्यकर्ता और जन समुदाय उपस्थित रहा।
आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।